भारत के चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रचा। कुछ ही दिन बाद सूर्य की पड़ताल के लिए सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। अब गगनयान को भी लॉन्च करने की तैयारी है और इस बीच इसरो ने एक धमाकेदार ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पृथ्वी के बाहर कई सारे ग्रहों की दुनिया देखने के लिए तमाम देशों में होड़ मची हुई है, इनमें भारत भी शामिल है। चांद और सूरज के बाद अब मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक बार फिर से इसरो ने तैयारी कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अधिकारियों ने कहा कि भारत मंगल ग्रह पर एक बार फिर अपना यान भेजेगा। 9 साल पहले इसरो ने इस लाल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान स्थापित करके इतिहास रचा था। इसरो ने इस मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 को अनौपचारिक रूप से मंगलयान 2 नाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलयान 2 के लिए और 2 के मिशन को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिक अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अंतर्ग्रही धूल, मंगल ग्रह का वातावरण और पर्यावरण भी शामिल है। चंद्रयान 3 की तरह मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर लैंड कराया जाएगा और फिर वो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की तरह प्लैनेट के स्टडी करेगा और प्लैनेट का अध्ययन कर जानकारी मुहैया कराएगा। मंगलयान 2 की लॉन्चिंग अगले साल यानी 2024 में होने की उम्मीद है। यहाँ आपको बता दें कि 24 सितंबर 2014 को भारत ने अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर इतिहास रचा था। यह ऐसी उपलब्धि थी कि उस दौरान इसरो के अलावा किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना यान नहीं उतारा था। जानकारी के मुताबिक मंगलयान 2 मिशन के दौरान एक मार्स ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट यानी कि मोडेक्स, एक एनर्जेटिक आयन स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि EIS, एक रेडियो ऑकल्टेशन यानी कि RO प्रयोग और एक लैंगमुइर प्रोब और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट यानी कि LPEX को ले जाएगा। नासा के परसीवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर धूल से भरा बवंडर देखा है। ये धूल भरे बवंडर पृथ्वी पर भी होते हैं। ये तब बनते हैं जब गर्म हवा नीचे आ रही ठंडी हवा के कॉलम के साथ मिलती है। मंगल ग्रह के बवंडर पृथ्वी पर पाए जाने वाले बवंडरों की तुलना में बहुत बड़े हो सकते हैं। टीम के अधिकारियों के अनुसार 30 अगस्त को मिशन के 899 मंगल दिवस या सोल पर नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के धूल के बवंडर की सतह के पास वाले हिस्से का वीडियो भेजा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल चंद्रमा पर खोज के लिए चंद्रयान 3 को भेजा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और रोवर लैंडर की रिसर्च सूर्य पर आदित्य L1 की और अब तक की प्रगति से इसरो उत्साहित है। इसरो ग्रहों पर नए रिसर्च पर लगा हुआ है। अब इसी क्रम में उसने एक बार फिर से मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने का प्लान बनाया है। इसरो के इस प्लान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है मंगलयान 2 को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।